दोस्तों आज हम आपको बॉलीवुड से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा कि ये सच है। जी हाँ, लेकिन ये सभी बातें बिल्कुल सही हैं। और भारत में 14 ऐसे एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जिनकी नागरिकता तो विदेश की है, लेकिन वो भारत में रहकर एक्टिंग करते हैं और देश दुनिया की जनता उनको खूब प्यार देती है और उनका सम्मान करती है और उनकी सभी फिल्में सुपर डुपर हिट होती हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे एक्टर और एक्ट्रेसेस के बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं द हार्ट ऑफ स्टोन एक्ट्रेस आलिया भट्ट भारत की नागरिक नहीं है? जी हाँ, वो अपनी माँ सोनी राजदान की वजह से ब्रिटिश नागरिकता रखती हैं, क्योंकि उनकी माँ ब्रिटिश नागरिक हैं। तो वहीं अनजान लोगों के लिए सोनी का जन्म स्मॉल हिथ बर्मिंगम वेस्ट मिडलैंड इंग्लैंड में एक ब्रिटिश जर्मन माँ और एक भारतीय कश्मीरी पंडित पिता के घर हुआ था, जिसके चलते उनकी नागरिकता विदेश की है। वहीं आलिया भट्ट की तरह कैटरीना कैफ के पास भी ब्रिटिश नागरिकता है। यहाँ आपको बता दें कि बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री कैटरीना कैफ का जन्म ब्रिटिश हांगकांग परिवार में हुआ और उनके पिता कश्मीरी मूल के मोहम्मद कैफ, जो एक ब्रिटिश नागरिक और व्यवसायी हैं, और माँ सुजैन एक ब्रिटिश वकील थी। यहाँ आपको बता दें कि अभिनेता आमिर खान के भतीजे, जो कथित तौर पर प्रशंसकों की मांग पर बॉलीवुड में वापसी करने की सोच रहे हैं, इमरान खान का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका के मैडिसन विस्कॉन्सिन में हुआ। उनके पिता अनिल पाल, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और माँ नुसरत खान एक मनोवैज्ञानिक। हालांकि अपने माता पिता के तलाक के बाद वो अपनी माँ के साथ भारत आ गए और उनकी नागरिकता विदेश की ही है। बॉलीवुड अभिनेत्री और डांसिंग सेंसेशन नोरा फतेही मोरक्कन मूल की हैं, जिनका जन्म और पालन पोषण कनाडा में हुआ और इस प्रकार उनके पास कनाडाई पासपोर्ट और नागरिकता है। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री कल्कि कोचलिन अक्सर कहती रही हैं कि उन्हें बार बार अपनी भारतीयता साबित करनी होगी। पौंडुचेरी के बाहर एक छोटे से गांव में फ्रांसीसी मूल के माता पिता जोएल और फ्राकुइल के घर जन्मी और पली बड़ी कल्कि ने कहा कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों के बच्चों के साथ घुलने मिलने के लिए अमेरिका लहजा सीखा। अक्सर लोग मान लेते हैं कि वो फिरंग है, हालांकि उनके पास भारतीय नागरिकता नहीं है। उसने अपनी फ्रांसीसी पहचान बरकरार रखी है और उसके पास फ्रांसीसी पासपोर्ट है। सिंगिस ब्लिंक अभिनेत्री एमी जैक्सन यूनाइटेड किंगडम के लिवरपूल से है और इस प्रकार उनके पास ब्रिटिश नागरिकता है। खामोशियां और ड्राइव और टीवी सीरीज 24 जैसी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाने वाली सपना पब्बी का जन्म और पालन पोषण लंदन में हुआ, इसलिए उनके पास ब्रिटिश नागरिकता है। जिन्हें पेशेवर रूप से एली अवराम के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म और पालन पोषण स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ, इसलिए वो एक स्वीडिश नागरिक है। इम्तियाज अली की फिल्म की रिलीज के बाद रॉकस्टार अभिनेत्री रातों रात सनसनी बन गई। पाकिस्तानी पिता और चेक मूल की मां की संतान नरगिस फाखरी का जन्म क्वींस न्यूयॉर्क शहर में हुआ, उनके पास अमेरिकी नागरिकता है। श्रीलंकाई पिता और मलेशियाई मूल की मां की संतान जैकलिन फर्नांडिस के पास श्रीलंकाई नागरिकता है और बॉलीवुड की काफी पसंद की जाने वाली एक्ट्रेसेस में से एक है। वहीं ये जवानी है दीवानी की अभिनेत्री एवलिन शर्मा के पास जर्मन नागरिकता है। फ्रैंकफर्ट हेसे और पश्चिम जर्मन में जन्मी और पली बड़ी एवलिन शर्मा के पिता भारतीय हैं, जबकि माँ जर्मन है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन जोस शहर में जन्मे अभिनेता अक्किनेनी नागेश्वर राव के पोते और नागा चैतन्य के सौतेले भाई अखिल अक्किनेनी अमेरिकी नागरिक हैं। सनी लियोन का मूल नाम करणजीत कौर है और सनी लियोन का जन्म सार्निया ओंटारियो में सिख भारतीय पंजाबी माता पिता के यहाँ हुआ, उसके पास से कनाडाई और अमेरिकी नागरिकता है। भारत के जम्मू निवासी डोंगरा प्रवासियों की बेटी अभिनेत्री गायिका मोनिका डोंगरा, जो रॉक ऑन धोबी घाट और सास बहू और फ्लेमिंगो में अपनी भूमिका के लिए जानी जाती हैं। बाल्टीमोर मैरीलैंड में पली बड़ी, जिनके चलते उनके पास भी विदेशी नागरिकता है। आपको बता दें कि इन सभी एक्टर और एक्ट्रेसेस के पास विदेशी नागरिकता होने के बाद भी भारत में इन्हें खूब प्यार मिलता है और पसंद किया जाता है, जिसके चलते इन सभी एक्ट्रेसेस की फिल्में सुपर डुपर हिट होती हैं। बॉलीवुड से जुड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए 4 PM बॉलीवुड।